हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा हम एमएससी का मैथमेटिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, एमएससी मैथमेटिक्स की हम जो बुक पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, उसी के ऊपर हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। यहाँ हम आज लेक्चर नंबर 1 से इसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशंस हमारा होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है, चाहे हमारा KUK हो, चाहे हमारा MDO हो, चाहे हमारा IGNOU हो, ठीक है, चाहे हमारा IGU हो, ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी और डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर किसी को भी इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में जाके बोल सकता है, मैं वहाँ से इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशंस होता क्या है हमारा। तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। एक इंटीग्रल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है इन विच एन अननोन फंक्शंस अपीयर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन। क्या है कि जो अननोन फंक्शन है उसके अंदर एक हो या एक से ज्यादा क्या हो, इंटीग्रल साइन हो, एंड देयर कैन अकर टर्म एज वेल एज। ठीक है, उसमें क्या है, एक से ज्यादा क्या हो, अननोन, जो अननोन फंक्शन है उसके साथ क्या हो, या तो एक या एक से ज्यादा क्या हो, इंटीग्रल साइन होना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एस प्लस इंटीग्रेशन ए से बी। ये क्या हमारा ए से बी क्या दिया हुआ, लिमिट दिया हुआ है के एस टी जी टी डी टी। हमारा यहाँ पे जो जी टी है ये क्या है भाई, अननोन फंक्शन है। क्या है, अननोन फंक्शन है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये के एस टी क्या है भाई, के एस टी हमारा क्या है, कर्नल है। ठीक है, ये कर्नल हम क्या होती है, ये हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे, आज हम ओनली बेसिक सीखेंगे। इस अननोन फंक्शंस के साथ दिया हुआ था ना, विच अननोन फंक्शन अपीयर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल का साइन, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, और ये हमारा इंटीग्रल अननोन फंक्शन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्नल हो गया। तो ये इसका सारा क्या था, बेसिक था, ये होना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी के एस टी जी टी इज इक्वल टू डी टी। जी एस क्या है, जी एस की वैल्यू क्या हो गई, इसमें जीरो कर दिया, तो भी हमारी इंटीग्रल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा क्या है, अननोन फंक्शन के साथ क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए, जो कि हमारा अवेलेबल है। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। अब करते हैं क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारी तीन प्रकार की इक्वेशन होती है, कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की इक्वेशन होती है। फ्रीडलोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है, और सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होती है हमारी। ठीक है, अभी तीनों इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का मेरे का, वहां पे जाके मात्र ₹100 में ऑल यूनिवर्सिटी के नोट्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एमएससी मैथमेटिक्स कोई भी मैथ हो, आप मेरे को टेलीग्राम पे सिलेबस सेंड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। और उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका मिलेगा। ठीक है, अब आता है पहला फ्रीडलोम इंटीग्रल इक्वेशन की। फ्रीडलोम इंटीग्रल इक्वेशन होता क्या है, इफ द अपर लिमिट क्या है, देखो, इफ द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज फिक्स बी। हमारा जो इंटीग्रल मैंने इक्वेशन थोड़ी देर पहले दिया था, उसका अपर लिमिट, ये अपर लिमिट होता सभी को पता है, और ये क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, अपर लिमिट होता है, सभी को पता है। क्या अपर लिमिट क्या हो, फिक्स हो, फिक्स का मतलब क्या हो, कांस्टेंट हो। फिक्स का मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, क्या हो वो, अपर लिमिट क्या हो, कांस्टेंट हो, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड फ्रीडलोम इंटीग्रल इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या कहलाएगी बेटा, हमारी फ्रीडलोम इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। काफी जगह इसको लिख देंगे एफ आई ई, तो डरना नहीं है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आएगी, काफी जगह आपको आगे यूज में आएगी। तो क्या इक्वेशन हमारी, एच एस जी एस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एस टी डी टी जी टी डी टी। ये इंटीग्रेशन इक्वेशन है, क्योंकि ये अननोन फंक्शन है, इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रल इक्वेशन है। और फ्रीडलोम इंटीग्रेशन इक्वेशन कैसे हो गई, क्योंकि इसकी जो कौन सी ऊपर वाली अपर लिमिट है वो क्या है बेटा, फिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लैम्डा इज हमारा कोई पैरामीटर है। इक्वेशन अच्छी तरह याद रखना। एच एस इधर बस क्या है, ऐड किया हमने एच एस, ऐड कर दिया जो पिछला एग्जाम्पल दिया था उसमें, उससे यहाँ देखो एच एस नहीं था, यहाँ मैंने एच एस ऐड किया है, क्योंकि आगे इसके टाइप भी होते हैं बेटा, वो भी पढ़ाऊंगा अभी। अब फ्रीडलोम इक्वेशन है वो हमारी तीन प्रकार की होती है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। जो हमारी ये इक्वेशन वन आई है, जो मैंने अभी पढ़ाई है आपको, फ्रीडलोम इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें अगर हमारा एच एस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो
तो वो क्या कराएगी, फ्रेडलॉन्ग फर्स्ट काइंड ऑफ इक्वेशन। ये याद रखना आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 2017 में आया हुआ है, केयूके यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक है, एमडीयू में और केयूके में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे लिया और ये बेसिक भी है सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ये इसको क्या करेंगे, फ्रीडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ऐसे इसको पढ़ने के लिए बुलाएंगे हम। तो उसमें क्या है, एच एस की वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे। अगर भाई एच एस की वैल्यू यहाँ जीरो करोगे तो जीरो मल्टीप्लाई जी एस, भाई ये लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एफ एस, एफ एस की साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव, और उस साइड क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एफ टी जी टी डी टी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सेकेंड टाइप में क्या कहलाएगा, सेकेंड टाइप में कुछ नहीं है, सेकेंड टाइप में जो एच एस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो अगर एच एस की वैल्यू यहाँ वन कर दूँ मैं तो बाकी इक्वेशन तो सेम रहेगी, जी एस इज इक्वल टू, यहाँ ये हट जाएगा, बाकी इक्वेशन हमारी सेम आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन सेम लिखी है। अब आ गई थर्ड इक्वेशन, भाई थर्ड इक्वेशन, थर्ड में क्या करना है, इसको थर्ड काइंड भी बोल देते हैं और काफी बार हम इसको होमोजीनियस फ्रीडल इंटीग्रल इक्वेशन भी बोल देते हैं। इस केस में क्या होगा, एफ एस की वैल्यू जीरो होगी और एच एस की वैल्यू क्या होगी बेटा, हमारी वन होगी। और यहां देखो किसकी वैल्यू जीरो है, एफ एस की वैल्यू, जब एफ एस की वैल्यू जीरो होगी तो मतलब ये जीरो हो गया हमारा, और एच एस की वैल्यू कितनी है, वन है। तो भाई क्या आ गया, जी एस इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एस टी जी टी डी टी, बताओ। इतना है, ये था हमारा, इसके टाइप तीन टाइप के होते हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। पहले को क्या बोलते हैं, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड, फिर सेकंड काइंड, फिर हमारा थर्ड काइंड। तो ये था हमारा इसका बेसिक, अगले पे चलते हैं। अब आ जाती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस, क्योंकि ये लेक्चर इसलिए इतना बेसिक है और ये आपका 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो अगला है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस, भाई वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, इफ द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज नॉट फिक्स। फ्रीडम में क्या थी, फिक्स थी, इसमें क्या है, फिक्स ना हो के कुछ भी हमारा वेरिएबल आएगा। फिक्स का मतलब मैंने बताया था, उसमें कांस्टेंट बताया था, मतलब इसमें कांस्टेंट नहीं तो कोई भी हमारा वेरिएबल आएगा, ठीक है। देन द इक्वेशन इज कॉल्ड वोल्टेरा इक्वेशंस। अब हमारी सेम इक्वेशन है, यहाँ क्या है, ओनली क्या आ जाएगा, कोई भी वेरिएबल लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट क्या है, वेरिएबल आ जाएगी, मतलब एस आ गया यहाँ पे, एक्स आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है हमारा, ठीक है, बट कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस। अब ये कितने टाइप की होती है, ये भी वही तीन टाइप की, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। इसमें भी सेम एच एस की वैल्यू जीरो होगी, भाई ये सेम है, यहाँ पे ये सेम इक्वेशन रहेगी, इसी में पुट करेंगे बस। इसमें क्या है, ये हमारी जो लिमिट लिमिट है ये एस वाली, ये चेंज होगी, बाकी हमारा सेम। इसमें एच जीरो पुट करेंगे, एच वन पुट करेंगे, इसमें एफ एस इजिकल टू जीरो और एच इजिकल टू वन, जो लास्ट में हमें फिल्टर में पुट किया है, सेम यही तीन इक्वेशन यहाँ से आ रही है हमारी, ठीक है बेटा। अब हमारा थर्ड, ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे हम आगे करेंगे, और ये एग्जाम में आता ही आता है। ये 5 नंबर में तो पूछा था, व्हाट इज इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिफिकेशन इज टाइप, और कई बार पूछ लेता है व्हाट इज डिफाइन इंटीग्रल इक्वेशन एंड सोल्व द गिवन प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल दे देता है, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन वन और बोथ लिमिट, या तो एक लिमिट या दोनों लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन बिकेन इनफाइनाइट, हमारी क्या है, या तो एक लिमिट इनफाइनाइट हो या फिर दोनों हो, बोथ लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो। व्हेन द कर्नल बिकेम इनफाइनाइट, और या तो एक कंडीशन तो ये दे दी, दूसरी कंडीशन और ये भी हो सकता है कि उसका जो कर्नल है वो इनफाइनाइट हो जाए एट वन और मोर पॉइंट, उस पॉइंट पे या एक से ज्यादा पॉइंट पे, विद द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर हमारा कुछ भी एक लिमिट आ सकता है जीरो से इन्फिनिटी, इस बीच के में भी अगर वो हमारा कर्नल है वो इनफाइनाइट हो रहा है तो भी उस इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसको थोड़ा समझो, पहली बात तो जी एस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा दोनों लिमिट हो गई, क्या है दोनों लिमिट क्या हो गई बेटा, यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट हो गई, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फैक्टरी कर रहा है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दूं, यहां मैं लिख दूं जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, भाई या तो उसने लिखा है या वन या फिर दोनों, दोनों है तो भी सिंगुलर है, एक है तो भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब क्या बोल रहा है, कर्नल, भाई ये क्या है, आपको सभी को पता है ये क्या है, कर्नल इसकी, और ये जी टी क्या है, अननोन फंक्शन है। अगर ये कर्नल इस जीरो से, कई बार क्या होगा कि ये लिमिट है ना हमारी, यहां से जीरो से लेके और हमारी टू मिल जाएगी, क्या है, जीरो से टू मिलेगी के एस टी और जी टी डी टी, या आगे मैं न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। अब कई बार क्या होगा, ये जो कर्नल दिया होगा, कर्नल की कुछ वैल्यू रहेगी,
हमारी क्या है कर्नल की कुछ वैल्यू रहेगी और वो कर्नल की वैल्यू पे जब हम उसको पुट करेंगे तो क्या जाएगा बेटा इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। तो उस केस में भी क्या होगी वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन ही कहलाएगी हमारी। समझने की दोबारा कोशिश करो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं देखना, ठीक है। हमारा है मान लो 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, हमारा 1x, हमारा ये आ गया dt, ठीक है, gt की वैल्यू 1 हो गई, kx की वैल्यू 1 बाई एक्स हो गई हमारी, ये हो गई। अब इस केस में क्या है kst, अगर हम लिमिट पुट करें 1, एक बार लिमिट करें 1 और एक बार हम करें 1/0, तो 1 माइनस 1/0, तो 1 माइनस क्या हो गया इन्फिनिटी। भाई ये क्या बने 1 माइनस इन्फिनिटी, क्या होता हमारा इन्फिनिटी। इस केस में भी क्या है कर्नल क्या हो जाए इन्फिनिटी आ जाए, क्या लिमिट हमारे देखो कॉन्स्टेंट इन्फाइनाइट नहीं है बट हमारी कर्नल क्या है इन्फाइनाइट आ रही है। तो उस केस में भी सिंगुलर को इक्वेशन क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे सिंगुलर इक्वेशन, इसलिए ये एग्जाम में आती है। बाकी कोई रीजन नहीं है क्योंकि बच्चे हमें याद क्या कर लेते हैं वन और बोथ लिमिट, या तो एक या दोनों लिमिट, भाई देख लेंगे भाई जीरो है वन, भाई इन्फाइनाइट नहीं है, भाई ये तो नहीं है, ये बोल देंगे ये तो फ्रीडम इक्वेशन है। अरे भाई जब अंदर चेक करेगा तो बाद में पता लगेगा, बाद में इन्फाइनाइट आएगा तो उस टाइम ये कंडीशन पता ही नहीं होगी उसको, तो वो बोल देगा नहीं ये सिंगुलर नहीं है, ये तो सर ने समझाया नहीं और पढ़ाया नहीं, तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये था बेटा आज का इक्वेशंस, ये एक हमारा था आज का लेक्चर्स इंटीग्रल इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक। अब धीरे धीरे मैं इसी के बारे में पढ़ाऊंगा, नोट्स को लिंक मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स का लिंक मात्र 100 रुपीज में वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देंगे प्लस में आपको नोट्स भी देंगे, ये हमारा 100 रुपीज में कोर्स है। हाँ एमएससी का हमारे बहुत सारी बुकें हैं, अभी मेरे पास KUK का सिलेबस अवेलेबल है, मैं बता देता हूँ, MDU का हमारे पास अवेलेबल है, IGU का हमारे पास अवेलेबल है और IGNU का हमारे पास अवेलेबल है, ये चार कोर्स अभी मेरे पास अवेलेबल है और बाकी जितने भी मेरे पास सिलेबस सेंड होता जाएगा मैं उनका लेक्चर रेडी करके आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता रहूँगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक, सेकेंड लेक्चर के हम ऊपर कल लेक्चर लेके बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अपने भाइयों के साथ शेयर करते रहना, और मात्र 100 रुपीज में नोट्स आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी विद वीडियो लेक्चर्स। एमएससी का कोर्स 5,000-6,000 रुपए में हो रहा है, यूट्यूब पे हम भी देख रहे हैं, और 100 रुपीज में कोई अवेलेबल नहीं कराएगा। तो थैंक यू।